एक दिन टप्पू की तबीयत खराब हो जाती है तो टप्पू डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे दो पेट दर्द की और दो सिर दर्द की गोलियां देता है। दिखने में दोनों एकदम एक जैसी दिखती है तो टप्पू गोलियां लेकर घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पेट में और सिर में दर्द होने लगता है। अब उसे एक गोली सिर दर्द की लेनी है और एक गोली पेट दर्द की लेनी है। तो जैसे ही वो चारों गोलियां निकालता है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी गोली पेट दर्द की है और कौन सी गोली सिर दर्द की है। अब उसे बस एक सिर दर्द की और एक पेट दर्द की गोली लेनी है। अब इन चारों गोलियों में से वो कैसे एक एक गोली लेगा? भाई चारों गोलियां तो एक जैसी दिख रही हैं। तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका जवाब देखते हैं। टप्पू चारों गोलियों के दो दो टुकड़े कर देता है और हर गोली का एक एक टुकड़ा खा लेता है। तो इस तरह से आधे आधे टुकड़े से एक एक गोली बन जाएंगी और इस प्रकार टप्पू एक सिर दर्द की और एक पेट दर्द की गोली खा लेगा। दोस्तों भाई टप्पू की इस बुद्धिमानी के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है ना, तो जल्दी से लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों पजल नंबर 2 यह एक दिमागी पजल है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। आपके सामने एक पिक्चर आई है तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अच्छे से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह ये 4 नंबर वाला ऑप्शन आएगा। वैसे आपने क्या जवाब सोचा था तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी से फिर से आपके सामने एक पिक्चर आई है तो आपको बताना है कि ये पिक्चर टॉप व्यू से कैसे दिखेंगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए भाई इसका जवाब देखते हैं। इनमें से ये 4th नंबर वाला ऑप्शन इस पिक्चर का टॉप व्यू होगा। वैसे आपने कौन सा ऑप्शन सोचा था तो वह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों पजल नंबर 3 आज थोड़ी हटके होने वाली है। आपके सामने एक पिक्चर आई है तो आपको बताना है कि इस पिक्चर में क्या मिस्टेक है। तो अच्छे से देखिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। भाई सबसे पहले आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। देखिए इस पिक्चर में यहाँ ब्रिज के नीचे से जो रिवर जा रही है ना, वो ब्रिज के दूसरी तरफ है ही नहीं। तो बस इस पिक्चर में यही एक मिस्टेक थी। तो क्या आपने ये सही गेस की थी क्या? तो चलिए जल्दी से फिर से आपके सामने एक पिक्चर आई है तो आपको बताना है कि इस पिक्चर में क्या मिस्टेक है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। देखिए भाई यहाँ पर 31 जून लिखा हुआ है जबकि जून महीना तो 30 दिन का होता है ना। तो क्या आपने ये नोटिस किया था क्या? तो इस बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हमारे पिछले वीडियो का आंसर था 6। तो ये रहे आज के 10 लकी विनर। रुद्राक्ष, संजना बालाजी, शक्ति ठाकुर, अभिषेक सविता, सुप्रीत कौर, अरिफा आदिल, ऋग्वेद महाजन, मनवीर सिंह,
दयाल नंदी, तन्मय पांडे। दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई हो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो जल्दी से कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर आई है, तो आपको बताना है कि इस पिक्चर से किस लड़की का नाम बनेगा। तो अच्छे से देखिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं और उस लड़की का नाम बनेगा मंसिका। तो क्या आपने इस लड़की का नाम सही गेस किया था क्या? तो इस बात पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।